नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक दो दिन से ऐसी न्यूज चल रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो 2022 में ना होकर के 2023 में होने की संभावना लग रही है। तो देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि क्या ये न्यूज सत्य है, क्या 2023 फरवरी में एग्जाम होगा या 2022 में ही एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए, जो लोग भी जहां से भी आप न्यूज प्राप्त कर रहे हैं कि फरवरी में एग्जाम होने के प्रबल चांसेस हैं, ये बात अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है। ठीक है, अभी तक तो आयोग का रवैया है, अभी आयोग के सदस्यों का भी चुनाव नहीं हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके रीजन है कि 2023 के फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये बात ऐसी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि नहीं ये न्यूज ही गड़बड़ है, ये न्यूज ही फेक है। ये न्यूज फेक नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं कि कोई आप ये भी मान के ना चलिए कि फरवरी में ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आयोग कभी कभी अप्रत्याशित निर्णय ले लेता है। तो जो सिनेरियो है, जो प्रोसेस होता है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का, उस तरीके से देखा जाए तो फरवरी में एग्जाम आपका मान के चलिए कि हो सकता है, लेकिन बशर्ते कोई अप्रत्याशित डिसीजन न ले लिए जाए आयोग के द्वारा। कोई अप्रत्याशित डिसीजन ले लिए जाएंगे तो उससे पहले भी एग्जाम होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे रीजन है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण है जिसके माध्यम से आप ये बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि एग्जाम जो होगा आपका ये फरवरी में होने वाला है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जाम डिले हो रहा है, इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है, ये बहुत खुशी की बात हम लोग के लिए नहीं है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो विलम्ब से होंगी। देखिए, कम से कम इस परीक्षा में दोस्तों 10 लाख लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनको सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, और सीट कितनी है, लगभग सीट आप मान के चलिए कि 4 से 5 हजार सीट। ठीक है, तो 10 लाख लोग अपना पूरा काम छोड़ करके केवल कंसंट्रेट इस बात पे हैं कि हमको एग्जाम देना है, लेकिन ऐसी स्थिति में एग्जाम डिले हो रहा है ना। तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो भैया जाहिर सी बात है कि 3-4 महीने डिले ज्वाइनिंग करेंगे। तो आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए 3-4 महीने डिले होने का मतलब कि आपकी 3-4 महीने की जो सैलरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का एक बैड पहलू होता है, गुड पहलू होता है। तो गुड पहलू ये है भाई कि आपको समय मिल रहा है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। तो मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किया है, आप ईमानदारी से सारी क्लासेस को पढ़ते रहिए और YouTube पे प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी मेरे द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा। एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपको वहाँ पे नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़िए ईमानदारी से। एक टेस्ट पेपर वहाँ पे रोज अटेम्प्ट करिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज देखिए, करंट भी मैं आपका कवर करा दूंगा, मतलब कुछ भी छूटने वाला नहीं है, है ना, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन लेके आप आराम से अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो भैया कंक्लूजन बस यही है कि अब आपके एग्जाम जो हैं इसकी प्रबल संभावना यही है कि फरवरी में हो सकता है। ठीक है, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी आप सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते कि फरवरी में हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज शाम को 7 बजे YouTube पे प्रैक्टिस क्लास के लिए। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।